अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि कभी भी अगर आपने किसी स्ट्रिंग या करैक्टर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है तो उसको हम कैसे करवाएंगे। ठीक है जी, तो जल्दी से चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ये जी आ गया है हमारा प्यारा डेफ जिसके अंदर हमने अभी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का और ये जो है वो आपको रटा लग जाना चाहिए। ठीक है जी, इसको आपने हर प्रोग्राम में ऐसे कैसे लिखना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने करेक्टर और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है और फिर हम देखेंगे कि उनको कैसे प्रिंट एफ के थ्रू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हम जल्दी से अब हम एक करेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लेते हैं। ठीक है, चार नाम रख देते हैं जी, ग्रेड, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं सिंगल कैरेक्टर की। तो हमने लेट सपोज ए स्टोर करवा दिया। ठीक है जी, तो अभी हम क्या करते हैं इसको प्रिंट करा के देते हैं, देख लेते हैं। प्रिंट एफ कीवर्ड आएगा हमारे पास, ब्रैकेट्स लगेंगी, ब्रैकेट्स के बाद हम लिखते होते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट, और इसके अंदर हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं जैसे योर ग्रेड इज। ठीक है, उसके बाद जब भी आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लाजमी आता है। अभी हमारे पास करेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी आएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो गया हमारे पास, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है। अभी हमारे पास वेरिएबल का नाम ग्रेड है तो हमने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया, हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, योर ग्रेड इज ए। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था ये एज इट इज शो हो गया, और जहां पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया था उसकी जगह उस वेरिएबल की वैल्यू आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है तो वो कैसे करवाएंगे। उसके लिए भी हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं चार नेम। ठीक है, हमने स्ट्रिंग का नाम जो है वो नेम रख दिया है, और स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस बिल्कुल ये आता है हमारे पास थोड़ा सा कि जब भी आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाते हैं बिल्कुल कैरेक्टर की तरह ही डिक्लेयर करवाएंगे, लेकिन इसके एंड पे क्या आते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स आते हैं और इनमें आप साइज देते हैं 20, 30, जो भी आपका रिक्वायर्ड साइज है, जितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपने उस वेरिएबल में स्टोर करवाने हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 20 लिख दिया है तो यहाँ पे आप 20 कैरेक्टर्स तक की वैल्यू जो है वो इसके अंदर सेव की जा सकती है। कंप्यूटर साइंस मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दी है। ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है। अच्छा जी, एंड पे आ गया सेमी कॉलन। ठीक है, अब हम इसको भी डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं स्क्रीन पे। अच्छा जी, प्रिंट एफ। ठीक है जी, हमारे पास ब्रैकेट आ गई, डबल कोटेशन आ गया, इसके अंदर हम लगाएंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग में अभी हम एक और चीज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बैक स्लैश एन, एस्केप सीक्वेंस भी हमने अगर लिखना हो तो इसी में लिखते हैं। इससे क्या होगा कि ऊपर वाली लाइन के बाद एक नई लाइन आएगी और आपकी जो अगली आउटपुट है वो न्यू लाइन पे शो होगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं जी, माई सब्जेक्ट इस। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम परसेंट एस यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा आ गया और यहाँ पे नाम आ जाएगा वेरिएबल का। ठीक हो गया, एंड पे आएगा जी सेमी कॉलन। ये हमारा प्रोग्राम खत्म, अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। चलें जी, अब देखते हैं, ये देखें योर ग्रेड इज ए। ठीक है जी, और नीचे वाली लाइन में क्या आ गया है, माई सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और ये न्यू लाइन आई है इस बैक स्लैश एन की वजह से। अगर आप ये ना लगाते तो ये नीचे वाली लाइन भी इधर ऊपर ही ए के फौरन बाद आपको डिस्प्ले हो जानी थी। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देख लिया है कि कभी भी करेक्टर या स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है, उनकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी है तो कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।